स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मलेशिया एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं उनके बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आप जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हो वहां पे इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचते हो दोस्तों, वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और सबसे पहले आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। वो लोग पासपोर्ट पे ये जरूर देखते हैं दोस्तों कि आप कौन कौन सी कंट्री विजिट कर चुके हो, इसके पहले आप मलेशिया विजिट कर चुके हो या नहीं, और अगर पहले मलेशिया विजिट कर चुके हो तो आपके पासपोर्ट पे पास आउट की मोहर तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता होगा कि पास आउट की मोहर का मतलब यह होता है कि आप मलेशिया डायरेक्टली 5 साल के लिए नहीं जा सकते हो, आप किसी और कंट्री के अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आपका चेक कर सकते हैं वो कोविड का सेकेंड डोज और उसके बाद आपके होटल की स्लिप, जिस होटल में आप रहने जा रहे हो, उसके बाद आपके फ्लाइट की रिटर्न टिकट देख सकते हैं। और माई सचेत्रा ऐप वो मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों चेक करते हैं आपके पैसे, आप कितने पैसे रखे हो अपने पास, क्या आप मलेशिया कंट्री घूमने आए हो तो क्या आपके पास कितना पैसा है। तो दोस्तों इसके बाद आप अगर 40-50 हज़ार रुपये कैश पड़े हैं वो दिखा दो, नहीं तो आप अपने बैंक अकाउंट में दिखा दो जो सबसे अच्छा है। और अगर आपकी एक्टिविटी ऐसी है कि आप काम करने के पर्पस से जा रहे हो तो वो खुद ही समझ जाते हैं और उसके बाद फिर वहां से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है आपके लिए। तो आपको ध्यान देना दोस्तों कि काम करने वाली या फिर आपके डर या फिर आप डरे हुए से वैसे एक्टिविटी आपको कुछ भी नहीं करनी है, सिंपल से आपको वो जो पूछे वो जवाब देना है। और दोस्तों वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप कौन सा काम करने आए हो, कितने टाइम के लिए काम करने आए हो और कितनी सैलरी पे काम करने आए हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ फिर आके, जिससे आपको बताना है सिर्फ कि आपकी जो फ्लाइट की रिटर्न टिकट है जिस डेट में, आपको वो डेट बोलना है कि भाई सीधे से इस डेट में हमें वापस जाना है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं और वहाँ पे कोई कुछ नहीं पूछता है और आपकी एक्टिविटी से वो समझ जाते हैं कि आप काम करने आए तो आप कैसे वो रिएक्ट करते हो उनके सामने, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो उनके सामने, वो खुद ही समझ जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको एंट्री मिल जाती है।